हेलो दोस्तों, एफ के इलेक्ट्रिकल में आपको स्वागत है। दोस्तों ये जनरेटर है, देखिए अल्फा कंपनी का है। ये इसका स्टार्ट बटन है, ऑन ऑफ बटन है, और ये इसका मीटर है। ये ख़राब हो चुके हैं, देख सकते हो 300 वोल्ट उठा है अभी। और यहाँ देखिए, ये इसका मतलब ये पावर सप्लाई पॉइंट है, एसी पॉइंट, देखिए 230 वोल्ट। दोस्तों ये जनरेटर अभी करंट देना बंद कर दिया, इसमें थोड़ा सा वोल्टेज दे रहा है, बाकी ये वोल्टेज नहीं दे पा रहा है। दोस्तों हम इसके बारे में पूरा आपको बताएंगे कि वोल्टेज नहीं दे रहा है, इसके अंदर क्या फॉल्ट है हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल रखिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार की वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये दो नट खोल लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर सारा फंक्शन निकल आया, आप देख सकते हो। यहाँ देखिए ये कार्बन होल्डर है, और ये इसको एबीआर बोलते हैं, और ये दोनों जो है पावर सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई यहाँ से निकलता है 220 वोल्ट। यहाँ से देखिए इसके अंदर गया है कनेक्टर के साथ, ये देखिए। दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है कार्बन को, इसको इस नाट को खोल के आपको देखना है कार्बन या घिस गया है नहीं। अगर ज़्यादा घिस गया तब भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इसका अंदर देखिए स्लिपिंग बोलते हैं इसको, वो देखिए अंदर दिख रहा है वो वाला, तो वो भी अगर घिस जाए या तो वो भी ख़राब हो जाए तब भी ऐसा फॉल्ट होगा। और सबसे ज़्यादा जो ख़राब होते हैं वो एबीआर ख़राब होते हैं, तो इसका भी ज़्यादा फॉल्ट होता है। तो इसका हम बदल के आपको दिखाएंगे किस तरह से बदला जाता है। तो इसके जगह हम नया ईवीआर लगाएंगे। पहले इसको लगा के आप लोगों को एक बार चेक करके दिखाएंगे वोल्टेज निकलता है कि नहीं, उसके बाद ही आप लोगों को नया ईवीआर लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों हमने देखिए इसके अंदर एक होल्डर के साथ बल्ब लगा दिया, और अभी स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे कितना वोल्टेज निकलता है इसमें। तो यह देखिए, तो ये कार्बोरेटर है, इसको ऑन करना पड़ता है। तो आप देखिए अभी यह देखिए, ये स्टार्ट, पहले इसको ऑन मोड में रखता है, अभी ऊपर में जब इसको दबाएंगे तब स्टार्ट होगा। कितना वोल्टेज निकलता है तो यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा वोल्टेज निकला है इसमें, देख सकते हो। बाकी इसको हम बंद करेंगे, देखिए इसको हम नीचे निकल सकेंगे। तो आप ये बंद हो गया, तो अभी हम आपको ये देखिए नया एबीआर है, तो अभी इसको लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसके साथ देखिए ये दो तार निकला हुआ है, और इसमें भी है दो तार, इसी पॉइंट में आपको लगाना है। और यहाँ एक होल्डर दिया हुआ है, तो इसके साथ भी इस तरह होल्डर दिया हुआ है, आपको खाली इसको मेल फीमेल में लगाना है आपको। तो आप इसको खोल देते हैं। Yeah.
अब इसको देखिए कैसे खोलना है, तो खुल गया। तो अब इसको पहले इसको एक बार लगा लेते हैं, देखिए लग गया। अब इसको क्या करना है, ये देखिए इस पर प्लस लिखा हुआ है और इसके अंदर भी प्लस माइनस दिया हुआ है, आपको देखो ये माइनस है और इसके अंदर का जो है वो प्लस है। तो प्लस को प्लस के साथ आपको लगाना है और माइनस को माइनस के साथ लगाना। अब इसको नट को हम लगा देते हैं, पहले था अभी इसको लगा दिया। अब देखना है कितना वोल्टेज निकलता है। अब इसको देखिए दोस्तों, अब देखिए इसको कन्वर्टर ऑन कर दिया। अब देखिए इसको इस तरह से स्टार्ट करना है आपको। स्टार्ट हो गया, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, पहले एकदम थोड़ा कम वोल्टेज निकला था, जैसे इसको हम बदल दिया तो एकदम पूरा फुल वोल्टेज आ गया। तो अब इसी तरह इसको बदल के ठीक कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल रखिए। थैंक यू।